थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 2022 में रिलीज हुई दी सिस्टम। ये कहानी है एक फॉर्मर सोल्जर की जो अपने देश के लिए नहीं बल्कि एक जेल में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लड़ता है। तो कौन है ये सोल्जर और क्या ये कभी इस वायलेंट जेल से बाहर निकल पाएगा, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक घर से जहां ड्रग डीलर्स ड्रग्स और उससे आया पैसा पैक कर रहे हैं। तभी एक मास्क लगाया हुआ आदमी वहां एक शॉटगन के साथ आ जाता है और अकेले ही कई ड्रग डीलर्स को पीट डालता है। ये आदमी यहां से काफी सारा पैसा इकट्ठा करके भागने लगता है, पर बाहर पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। इस आदमी का नाम है टेरी और इसका बैकग्राउंड चेक करने पर पुलिस को पता चलता है कि टेरी कोई रेगुलर चोर नहीं बल्कि वो यूएस आर्मी का एक बहादुर सोल्जर हुआ करता था जिसने इराक और अफगानिस्तान की वॉर में यूएस आर्मी के लिए कई मेडल्स जीते हैं। टेरी के केस के बारे में सुनके पुलिस कमिश्नर हार्वी उसे मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तूने ये चोरी क्यों करी, जिसपे टेरी कहता है कि सर्विस खत्म होने के बाद देश की आर्मी उसे भूल चुकी है और अपनी पेंशन से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। टेरी कहता है कि उसकी बेटी बेहद बीमार है जिसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उन ड्रग डीलर्स को लूटने का सोचा। कमिश्नर हार्वी समझ जाता है कि टेरी कोई क्रिमिनल नहीं है और वो कहता है कि वो टेरी की हेल्प करना चाहता है। हार्वी कहता है कि वो टेरी को एक प्रिजनर बना के एक जेल में भेजना चाहता है जहां का वार्डन बेहद करप्ट है और वो जेल में ड्रग डीलिंग्स और इलीगल गैम्बलिंग करता है, पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और अगर तू उस जेल में जाके मुझे कुछ एविडेंस ला दे तो पुलिस डिपार्टमेंट तेरे पे लगे सारे चार्जेस माफ कर देगा, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट तेरी बेटी के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगी। टेरी इस काम के लिए मना कर देता है, पर हार्वी उसे याद दिलाता है कि उसने एक आर्म्ड रॉबरी कमिट की है जिसके लिए उसे 6 से 8 साल की सजा हो सकती है और फिर वो कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। और हेल्पलेस टेरी ना चाहते हुए भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। टेरी अपनी बेटी से बात करके कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जिसके बाद हार्वी कुछ गार्ड्स के साथ टेरी को उस जेल में भिजवा देता है। टेरी एक कैदी बन के उस जेल में जाता है जहाँ जेल का एक किलियन नाम का गार्ड उसे जेल के रूल समझाता है और टेरी की गर्दन में एक ट्रैकिंग चिप भी इंजेक्ट करी जाती है जिससे जेल में सभी कैदियों को ट्रैक किया जाता है। टेरी को उसका नया सेल दिखाया जाता है और वहीं पे टेरी को हार्वी का भेजा हुआ एक स्मार्टफोन मिलता है। हार्वी ने ये फोन सीक्रेटली टेरी के लिए भिजवाया होता है ताकि वो इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करके उसे भेज सके। नेक्स्ट मॉर्निंग किलियन टेरी और बाकी कैदियों को बेहद रूडली ब्रेकफास्ट के लिए उठाता है। टेरी मैस में ब्रेकफास्ट के लिए जाता है जहां पर एक वाइट गैंग का लीडर उसका खाना गिरा देता है और टेरी को अपने सामने घुटनों पर बैठने के लिए कहता है, पर टेरी उसे अवॉइड करके आगे बढ़ जाता है। वो जेल के कॉमन एरिया में आ जाता है और एक ब्लैक गैंग मेंबर उससे फ्रेंडली होने का ट्राई करता है। ब्लैक गैंग का लीडर फ्रीवे उसे कहता है कि ये जेल एक खतरनाक जगह है और उसे अपने लोगों के साथ रहना चाहिए और वो उसे अपना गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर टेरी कहता है कि उसे किसी गैंगबाजी में नहीं पड़ना और वो उनका ऑफर ठुकरा देता है। जेल का फ्लोर साफ करते हुए वो देखता है कि कुछ मैक्सिकन गैंग मेंबर्स फ्रीवे से लड़ पड़े हैं, पर फ्रीवे अकेले ही उन सभी मैक्सिकन्स को धो डालता है और टेरी फ्रीवे की फाइटिंग स्किल्स और स्पीड देख के बेहद इंप्रेस होता है। शाम को जब टेरी अपने सेल में होता है तब वही वाइट गैंग लीडर अपने कुछ आदमियों के साथ टेरी पे अटैक करता है और टेरी खुद को डिफेंड करते हुए उनसे लड़ने लगता है, पर वो लोग टेरी पे भारी पड़ने लगते हैं और तभी बोन्स नाम का एक कैदी वहां आ जाता है और टेरी की हेल्प करते हुए उन वाइट गैंग मेंबर्स को पीट देता है। गार्ड्स वहां आके गन पॉइंट पे वो लड़ाई रुकवाते हैं और टेरी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। इसके बाद जेल का वार्डन उस वाइट गैंग लीडर को पनिश करता है और उसे टेरी से माफी मांगने के लिए फोर्स करता है। उसके जाने के बाद वार्डन टेरी से मिलता है और टेरी कहता है कि वो बस खुद को डिफेंड कर रहा था, जिस पे वार्डन कहता है कि उसने टेरी को पनिश करने के लिए नहीं बुलाया। वो उसे कहता है कि ये एक प्राइवेट ओन्ड जेल है जिसका डेली शेड्यूल बेहद बोरिंग है और एंटरटेनमेंट के लिए उसने एक डंजन नाम की जगह क्रिएट करी है जहां फाइटिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। वार्डन कहता है कि टेरी का मिलिट्री बैकग्राउंड और फाइटिंग स्किल्स उसे इस टूर्नामेंट के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट बनाती है और अगर वो डंजन्स में एज अ फाइटर लड़ेगा तो वार्डन उसकी सजा माफ कराने में हेल्प करेगा। टेरी को पता होता है कि वार्डन को स्ट्रेट अवे मना करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए वो फाइट के लिए मना नहीं करता। टेरी को डंजन में अपनी फाइट के लिए एक फाइटिंग सूट और रहने के लिए एक रूममेट वाला पहले से बेटर सेल दिया जाता है। जीना नाम की एक गार्ड टेरी को वापस उसके सेल में छोड़ने जाती है और कहती है कि उसने भी यहाँ आने से पहले आर्मी में जॉब करी थी और टेरी ने उसकी यूनिट की अफगानिस्तान में एक बार हेल्प भी करी थी। टेरी वापस अपने सेल में आता है जहाँ उसे अपना रूममेट
बोन्स मिलता है। टेरी उसे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो एक अच्छा फाइटर है। बोन्स कहता है कि उसका फादर एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर था, इसीलिए उसे मार्शल आर्ट स्किल्स आती हैं। और बोन्स उसे डंजन से दूर रहने को कहता है, पर टेरी कहता है कि उसके पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और बोन्स कहता है कि वो उसकी फाइट के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करेगा। टेरी उस सीक्रेट फोन से हार्वी को वार्डन के डंजन्स और वहां होने वाली इलीगल फाइट्स के बारे में बताता है, और हार्वी कहता है कि उसे इन फाइट्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए होगी। बोन्स टेरी को फाइट के लिए ट्रेन करना शुरू करता है और अपने खाली टाइम में वो उसे सभी गैंग्स जैसे वाइट्स, एशियन, मैक्सिकन और ब्लैक गैंग मेंबर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि ब्लैक गैंग का लीडर फ्रीवे पिछले दो टूर्नामेंट से डंजन्स का अनडिफीटेड चैंपियन है और इस जेल का सबसे खतरनाक फाइटर है, जिसे कभी बोन्स ने ही ट्रेन किया था। फाइट वाली रात को टेरी बोन्स के साथ पहली बार डंजन में एंटर करता है, जहां वार्डन एक राजा की तरह बैठा होता है। एक गैंग मेंबर सबका डंजन में वेलकम करता है और बताता है कि यहां फाइटिंग के कोई रूल्स नहीं है। फाइट शुरू होती है और सभी अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट्स के लिए चीयर करने लगते हैं। इन फाइट्स का टेलीकास्ट बाकी जेल्स में भी किया जाता है और प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगा के यहाँ गैम्बलिंग भी होती है। टेरी एक फाइट को अपने फोन पर रिकॉर्ड करता है और जब फ्रीवे की बारी आती है तब वो एक साथ दो फाइटर से लड़ता है और वो फाइट भी जीत जाता है। टेरी की पहली फाइट एक एल वैम्पायरो नाम के मैक्सिकन फाइटर से होती है, जो एक अच्छा फाइटर होता है, पर बोन्स टेरी को उसकी सभी वीकनेस बताता है और टेरी उस फाइटर को हरा देता है। फाइट्स के बाद वार्डन फ्रीवे को मिलने के लिए बुलाता है और उसे इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है, पर फ्रीवे वार्डन से पूछता है कि बोन्स उस टेरी नाम के नए कैदी को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है, जिसपे वार्डन कहता है कि टेरी और बोन्स फ्रेंड्स हैं और इस केस में वो कुछ नहीं कर सकता। फ्रीवे वार्डन को अपना प्रॉमिस याद दिलाता है और कहता है कि एक के बाद एक फाइट्स जीतने के बाद भी तूने अब तक मुझे रिहा नहीं किया है, और अगर तूने जल्दी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं जेल के सभी ब्लैक कैदियों के साथ प्रोटेस्ट शुरू कर दूंगा। वार्डन उससे कहता है कि फाइनल्स के लिए एक दूसरी जेल से लड़ने के लिए एक मशहूर फाइटर आने वाला है, और अगर तूने उसे हरा दिया तो मैं उसी दिन तुझे जरूर रिहा कर दूंगा। जैनेट नाम की एक लॉयर टेरी से मिलने आती है, जो फॉर्मर आर्मी वालों की केसेस लड़ती है, और वो कहती है कि क्योंकि टेरी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए चोरी की थी, इसलिए वो टेरी को यहां से रिहा करा सकती है। पर टेरी का वार्डन को एक्सपोज करने का मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ होता और वो जैनेट से कोई भी लीगल हेल्प लेने के लिए मना कर देता है, पर जैनेट जाने से पहले उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे जाती है। बोन्स टेरी को अपनी अगली फाइट के लिए रेडी करने लगता है और कहता है कि नेक्स्ट फाइटर जी एशियन माफिया का सबसे फास्ट आदमी है, इसलिए टेरी स्पीड में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और वो टेरी को सजेस्ट करता है कि वो इस फाइट में जी को अपनी सारी ताकत से हिट करे। डंजन में टेरी की फाइट का आयोजन आ जाता है और टेरी लड़ाई शुरू होते ही जी को एक सिंगल पावरफुल पंच मार के ही नॉकआउट कर देता है। अपने सेल में वापस आके टेरी बोन्स से पूछता है कि तू मुझे एक अच्छा आदमी लगता है, फिर तू इस जेल में कैसे आ गया। बोन्स कहता है कि एक आदमी ने उसकी बहन का असॉल्ट और रेप किया था, जिसका उसने मर्डर कर दिया, और उसी आदमी को मारने के लिए उसे जेल हुई है। और टेरी कहता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें कर देना चाहिए। अब जेल में सभी गैंग और फाइटर टेरी को एक ओपोनेंट की तरह देखने लगते हैं, और एक दिन किचन में फ्रीवे की गैंग के दो कैदी टेरी पे चाकू से हमला कर देते हैं, पर वो जीना नाम की गार्ड वहां आके उन्हें रोकने का ट्राई करती है, जब एक गैंग मेंबर उसे चाकू मार के भाग जाता है और टेरी जीना की हेल्प करता है। वार्डन टेरी को बुला के जीना की हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहता है, पर टेरी कहता है कि अगर वार्डन उसे सचमुच थैंक्स कहना चाहता है तो उसकी फाइट एक बार फ्रीवे से करा दें, जिसने उस पे और जीना पे अटैक करवाया है। उधर फ्रीवे अपने उन दोनों गैंग मेंबर्स से बेहद नाराज होता है, क्योंकि उन्होंने उससे बिना पूछे टेरी पे अटैक किया। वार्डन फ्रीवे और उसके दोनों गैंग मेंबर्स को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि एक गार्ड पे अटैक करके तुमने मेरी जेल का सबसे बड़ा कानून तोड़ा है, और वो केलियन नाम का गार्ड फ्रीवे के एक साथी को मार देता है और वार्डन दूसरे को शूट कर देता है। पर फ्रीवे कहता है कि उसने इस अटैक का कोई ऑर्डर नहीं दिया था, पर वार्डन फ्रीवे को कहता है कि अब तुझे टेरी से लड़ना पड़ेगा, और वार्डन से बचने के लिए वो इस फाइट के लिए मना नहीं कर पाता। टेरी हार्वी को मैसेज करता है कि आज वो इस जेल के टॉप डॉग फाइटर से लड़ने वाला है, जो उसकी आखिरी फाइट होगी, और वो बोन्स के साथ अपनी बेटी को याद करते हुए और हैवी ट्रेनिंग करने लगता है। फाइट वाले दिन वार्डन फ्रीवे और टेरी की फाइट शुरू करवाता है और सारी जेल के कैदी और गार्ड्स उस लड़ाई पे अपनी बेट्स लगाते हैं। लड़ाई शुरू होती है और फ्रीवे और टेरी
एक दूसरे के ऊपर किक्स और पंचेस बरसाते हैं, पर टेरी का जेल से बाहर निकलने का जज्बा फ्री वे पे भारी पड़ता है और टेरी उसे एंड तक बुरी तरह से इंजर्ड करके हरा देता है। फाइट के बाद टेरी अपने सेल से कमिश्नर हार्वी को उस फाइट के फुटेज भेजता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब सारे एविडेंस आ चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, पर उसे वापस कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फ्रीवे को हराने के बाद टेरी जेल का नया चैंपियन बन जाता है और सभी कैदी उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आने लगते हैं। वार्डन कहता है कि फ्रीवे के बाद अब तू ब्लैक गैंग की लीडरशिप संभाल ले, पर टेरी गैंग लीड करने से मना कर देता है। इसके बाद वार्डन जेल में चल रही एक इलीगल ड्रग लैब भी टेरी को दिखाता है और कहता है कि तू चाहे तो मैं तुझे यहाँ का सुपरवाइजर बना दूंगा, पर टेरी ड्रग बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और एविडेंस के तौर पे वहाँ से थोड़ा पाउडर ड्रग उठा लेता है। वार्डन टेरी को उन दोनों कैदियों की डेड बॉडीज भी दिखाता है जिन्होंने उसपे और जीना पे अटैक किया था और कहता है कि अब इस जेल में तुझ पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता। पर टेरी को वार्डन की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहता है कि मुझे बस यहाँ से फ्री होके वापस अपनी बच्ची के पास जाना है, और वार्डन उसे अपने रूम में ले जाता है जहां उसकी चेयर पे कमिश्नर हार्वी बैठा होता है जिसे टेरी इतने दिनों से मैसेज कर रहा था। और टेरी शॉक रह जाता है जब उसे पता चलता है कि हार्वी और वार्डन एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। हार्वी कहता है कि ड्रग रिंग्स और इन इलीगल फाइट्स में बेटिंग से आया सारा पैसा हम दोनों आपस में डिवाइड करते हैं, और मैंने तुझे यहाँ किसी को एक्सपोज करने नहीं बल्कि तेरा मिलिट्री बैकग्राउंड देख के लड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे इस बात की श्योरिटी थी कि तू एक अच्छा फाइटर बनेगा। टेरी कहता है कि अब मैं डंजन्स में कभी नहीं लड़ने वाला, भले ही तुम लोग मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। वार्डन को भी पता होता है कि टेरी टॉर्चर से नहीं डरेगा, इसलिए वो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो गार्ड से कह के बोन्स को बुलवाते हैं और उसे टेजर से मारने लगते हैं, और उसकी जान बचाने के लिए टेरी फाइट करने के लिए मान जाता है। हार्वी वहां से चला जाता है और टेरी की नेक्स्ट फाइट किसी दूसरे जेल के एक बड़े फाइटर से रखी जाती है, और टेरी अब बोन्स के साथ वार्डन का ये सारा बिजनेस एक्सपोज करने का प्लान करता है। टेरी बोन्स की हेल्प से जेल के सभी बड़े गैंग मेंबर्स को यूनाइट करके एक प्लान बनाता है, जिसके बाद टेरी फोन करके उस जेनेट नाम की लॉयर को भी मिलने के लिए बुलाता है और उसे छुप के अब तक इकट्ठे करे हुए सारे एविडेंस से भरी एक चिप दे देता है ताकि जेनेट बाहर जाके FBI को वार्डन के बारे में बता सके। फाइट वाले दिन दूसरी जेल का एक वार्डन अपनी जेल के सबसे खतरनाक फाइटर चाका के साथ उनकी जेल में आता है, और उस फाइटर का साइज देख के वार्डन भी शॉक रह जाता है, पर वार्डन को टेरी पे पूरा भरोसा होता है और वो बाहर से आए हुए वार्डन के साथ $1,00,000 की बेट लगाता है। फाइट शुरू होती है और चाका टेरी पे भारी पड़ने लगता है, पर टेरी वो चुराया हुआ ड्रग पाउडर उसकी आंखों में डाल देता है और उसका फायदा उठा के उसे नीचे गिरा के पीटने लगता है, पर टेरी उसे जान से नहीं मारता बल्कि बाकी कैदियों को इशारा करता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग सभी कैदी गार्ड्स पे हमला कर देते हैं। ये सब देख के वो दूसरी जेल से आया हुआ वार्डन भाग निकलता है, और वार्डन कुछ समझ पाए इससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है, पर पुलिस वाले कैदियों पर अटैक करने की जगह वार्डन के गार्ड किलियन को शूट कर देते हैं, और वार्डन भी अपनी जान बचा के भागने लगता है। टेरी वार्डन का रास्ता रोक लेता है जिसपे वार्डन उस पर फायर करता है, पर बोन्स वार्डन पे पीछे से अटैक करता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। बोन्स जब टेरी से बात करने लगता है तब वार्डन फिर से अपनी गन उठा के उन्हें शूट करने का सोचता है, पर बाकी पुलिस ऑफिसर उसे शूट करके वहीं अरेस्ट कर लेते हैं। वार्डन को यकीन नहीं होता कि उसी की जेल में उसे आज अरेस्ट किया जा रहा है। जेनेट टेरी से मिलकर समझाती है कि उसने उस चिप का सारा डेटा FBI को फॉरवर्ड कर दिया था, इसलिए उन्होंने वार्डन को अरेस्ट किया है। साथ ही प्रिजन करप्शन को एक्सपोज करने के लिए गवर्नमेंट ने उसकी सारी सजा माफ कर दी है, और अब वो उसकी बेटी का इलाज का सारा खर्चा भी उठाएंगे। टेरी फाइनली चैन की सांस लेता है और जेल से बाहर आने से पहले वो बोन्स को अपना इतना साथ देने के लिए थैंक्स कहता है। टेरी को रिहा होते देख के सभी कैदी बेहद खुश होते हैं और उसे रिस्पेक्टफुली अलविदा कहते हैं। बाहर जाके टेरी अपनी बेटी से मिलता है और उसे कई सारे गिफ्ट देता है, और लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि अब वो वार्डन अपनी सजा काटने जेल में आया है और अपने सेल की हालत देख के रो रहा है। ऐसी ही एक और प्रिजन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।